वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ये तस्वीर हमें दिखाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मैंने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, कैद किया है। 3 साल पहले लोगों के सपनों को पूरा किया गया था इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन करके, और उसकी क्या हालत है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से कुएं से पानी निकाला जाता है, उस प्रकार पुल पर से बाल्टी दर बाल्टी, कई बाल्टी पानी निकालते हैं लोग इस पुल पर से। इतना समय उन्हें इस व्यस्त रास्ते पर मिल जाता है। क्या है ये स्थिति, क्यों हम ये आपको वीडियो दिखाना चाह रहे हैं और क्यों पूरा देखने के लिए कर रहे हैं, देखिए। आज की तस्वीर बिहार के विकास की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर आपके मन को विचलित कर देगा। कुछ साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। ये नया रास्ता है, नया मार्ग है भोजपुर क्षेत्र का। भोजपुर वासी के लिए एक तरह से ये लाइफलाइन है, लेकिन इसकी दुर्दशा देख करके आप आवेशित हो जाएंगे, मन विचलित हो जाएगा और अफसोस भी होगा कि आखिर इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों है। ये सवाल आपके मन में जरूर उठेगा। मैं पॉजिटिव इमेज बनाना चाहता हूं बिहार का, मेरे व्लॉग का यही मतलब है, लेकिन इसे भी छोड़ा नहीं जा सकता है। वर्षों के सपनों को इस तरह से टूटते नहीं देखा जा सकता है। अभी हम आरा छपड़ा मार्ग पे चल रहे हैं। ये भोजपुर वासी क्षेत्र के लिए वरदान सा साबित हुआ है, काफी लंबे इंतजार के बाद। और ये इस रास्ते का जो निर्माण हुआ है, इस पुल का निर्माण हुआ है, ये दुनिया में लॉन्गेस्ट है, किसी न किसी मायने में पहला है। क्यों है वो भी हम बताएंगे, क्या है इसकी दुर्दशा वो भी आपके आंखों के सामने है, लेकिन इससे भी बड़ी दुर्दशा इस रास्ते की है। ये देख सकते हैं हम रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। जिस लेन से गाड़ियों को मेरी तरफ आना चाहिए, यानी कि आरा की तरफ आना चाहिए, उस रास्ते पे एक लेन में ट्रक लगा हुआ है और उधर से आने वाली गाड़ियां एक लेन में चल रही है। उधर वाला लेन, दोनों लेन जो है ब्लॉक है, गाड़ियों के बीच में बहुत मुश्किल से हम मोटरसाइकिल निकाल करके आगे बढ़ रहे हैं। काफी दिनों से इस पुल के बारे में, इस पुल का अपडेट देने के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पे घंटों लंबा जाम लगा रहता है, कृपया उस पे वीडियो बनाए। मौका मिला रविवार को जब हम गए थे अपडेट देने के लिए, कोइलवर 6 लेन ब्रिज का और छपरा डबल डेकर का। इसी रास्ते से होकर के हम छपरा गए थे आरा से, वरना अगर ये पुल ना होता तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी कि एक दिन में हम कोइलवर 6 लेन ब्रिज का और छपरा डबल डेकर पुल का हम अपडेट देते। ये देख सकते हैं ये दुर्दशा। ट्रकों की लंबी कतार, 3 लेन में लगी ट्रकें, और जो आने वाला रास्ता है उस पर मुश्किल गाड़ी चलाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पे खाली मिला, कहीं पे इतना भरा हुआ मिला कि मोटरसाइकिल भी निकालना मुश्किल हो गया। हम बढ़ रहे हैं छपरा की तरफ और चल रहे हैं वीर कुंवर सिंह सेतु आरा छपरा ब्रिज पे। अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन रास्ता उधर ही जाता है। इस ब्रिज का डिटेल हम बताएंगे, चौड़ाई बताएंगे, लंबाई बताएंगे, कब बना, कब शुरू हुआ, कितना लागत आया, ये सारा कुछ बताएंगे। क्यों है लॉन्गेस्ट विश्व में ये, वही हम आपको बताएंगे कि ये आखिर ऐसी क्या खासियत है जो ये बिहार का पुल लॉन्गेस्ट है पूरी दुनिया में।
वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी दुर्दशा दिखाते हैं। आपको जो सड़क है, सड़क पर आपको नालियां दिख रही है, गड्ढे दिख रहे हैं, उसमें पानी जमा हुआ दिख रहा है, चक्कों के शेप में गड्ढे हो गए हैं इस रोड पर। जहां से हम चले थे वहां से ये लगातार है, कहीं कहीं पे कम है, कहीं कहीं पे ज्यादा है। ये नाली का आकार लिए हुए ये नाली नहीं है, ये सड़क है। ये देख सकते हैं, ये फोर लेन सड़क की ऐसी दुर्दशा है। लंबा लाइन बना हुआ है सड़क पे गड्ढों का। ये देख सकते हैं, इस तरफ ट्रक कतार में इस तरफ भी खड़ी है और उस तरफ भी खड़ी है। ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं रोड पे नाली है, ये नाली चक्कों के दबाव के कारण बना है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये ऐसा दिख रहा है। अगर मेंटेनेंस होता तो ऐसा नहीं दिखता। अभी 3 साल हुए हैं मात्र इसके उद्घाटन को, और ये देख सकते हैं कि जो सड़कों का मेंटेनेंस की बात सुनने को आता है कि सड़कों का मेंटेनेंस कौन, जो कंपनी है, निर्माण कंपनी है, वो करेगी, वो कहाँ, यहाँ पे हमें कहीं नहीं दिखा। डिवाइडर पे जो पौधे लगाने चाहिए थे वो पौधे भी अभी तक नहीं लगे हैं, 3 साल बीत गए हैं। ऐसी कई खामियां हमें इस रास्ते में दिखी, ट्रैफिक का दबाव, ट्रैफिक जाम। अगर उधर से आना चाहे लोग छपरा के तरफ से, तो वो मतलब कि जो ये रास्ता 15 मिनट का है, वो रास्ता उन्हें तय करने में काफ़ी समय लग जाएगा। लोगों की लापरवाही भी दिखी और सुस्ती भी दिखी प्रशासन की। ये देख सकते हैं कि रोड पे कितनी मोटी परत मिट्टी की चढ़ी हुई है। इतना खूबसूरत ये रोड था, अगर आप इसका वीडियो देखेंगे जब ये बना था, और जब इसका तो हम पल पल का खबर दिए हैं, तो इतना खूबसूरत ये रोड बना था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मन जो है गदगद हो जाता था, मन हर्षित हो जाता था, गर्व होता था अपने आप में कि हमारे बिहार में ऐसा कोई मार्ग बना है, ऐसा कोई रोड बना है, ऐसा कोई पुल बना है जो दुनिया में पहला स्थान रख सकता है। मिट्टी की मोटी परत आपको बाईं ओर दिख रही होगी, ट्रक की लंबी कतार भी दिख रही है। ये मैंने कुछ दूरी से वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन वैसे मैं आरा से जब कोइलवर से चला था, वहीं से ये लंबी कतार हमें रोड पे नालियां मतलब कि दिख रही थी। रोड पे नालियां, गड्ढों, ट्रक के दबाव से बने गड्ढों और नालियों का रूप लिए हुए वो वहीं से दिखा था हमें। किसी तरह दाएं बाएं करते हुए हम उस पार तक पहुंचे। अभी आपको ये इधर वाला लेन खाली दिख रहा है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि लेन पूरी तरह से, जो रोड का लेन था, वो भरा हुआ। देखिए किस तरह से मजबूरी में रॉन्ग साइड में ऑटो जा रहा है। ये देखिए गड्ढा जो रोड पे बना है। मेंटेनेंस की ज़रूरत है इस पुल की, जो कहा जाता है कि 5 साल तक, 3 साल तक मेंटेनेंस करेगी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, उस अभी दायरे में है। लोग पैदल चलने पे मजबूर हैं, क्या फ़ायदा इस पुल का जब लोग पैदल आने पे मजबूर हैं उस पार से इस पार। फिर तो वही है कि करोड़ों रुपये खर्च करके भी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, वो पैदल चलने को बाध्य है। कुछ फ़ायदा भी देखा, जैसे साइकिल पर एक सामान बेच रहे थे कि ट्रक ड्राइवर को खिलाने पिलाने का सामान बेच रहे थे वो। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखा कि ये जो देख रहे हैं सामने, एक लड़का जो खड़ा है और ट्रक पे एक आदमी खड़ा है, ये रस्सी पकड़े हुए है, ये पानी निकाल रहा है गंगा नदी से। ये पानी खींच करके ऊपर ला रहा है ताकि वो खाना पीना जो बनाया है या बर्तन धोना है उसके लिए पानी ऊपर खींच रहा है। ये स्थिति इस पुल की दिखी, इन्हें इतना समय मिल गया कि इतनी लंबी रस्सी फेंक करके ये पानी खींच रहे हैं। सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। गंगा नदी है जिस पर ये पुल बना है, दुनिया का लॉन्गेस्ट पुल। क्यों है लॉन्गेस्ट पुल, वो हम आपको बताते हैं। इस पुल का नाम आरा छपरा
ब्रिज वीर कुंवर सिंह सेतु है। मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है ये, जिसकी लंबाई 1920 मीटर है और यही वजह है कि ये पुल दुनिया का लॉन्गेस्ट है। मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज इतना लंबा दुनिया में कहीं नहीं है। सेकंड लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है ये है किसो गावा ब्रिज, जो जापान में है, उसकी लंबाई 275 मीटर है। तो इस कारण से ये दुनिया का लॉन्गेस्ट है। फोर लेन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज हाई लेवल ब्रिज है ये, अप्रोच भी बना है, गंगा नदी पे बना, ये आरा और छपरा को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इस पुल के बन जाने के बाद 130 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर में तब्दील हो गई। सोचिए कितना समय का बचत हुआ, और गड्ढे देखिए कि इस फोर लेन रोड पे क्या गाड़ियां स्पीड में चल सकती है। अगर कोई अनजान आदमी इस रोड पे चले तो उन्हें क्षति हो सकती है। ये देख सकते हैं ये केबल दिख रहा है दाहिनी ओर, इसी की वजह से ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसका जो शिलान्यास किया गया था, ये जुलाई 2010 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों किया गया था, करकमल द्वारा किया गया था। ये भोजपुरी वासी जिलों को जोड़ता है और छपरा और आरा की दूरी को इसने कम किया है। जो पहले 130 किलोमीटर था वो अब 40 किलोमीटर में तब्दील हो गया है, और भी कई जगहों के की दूरियों को इसने कम किया है। ये आरा, औरंगाबाद, भभुआ जैसे जिलों की दूरियों को कम किया है। जो सिवान, छपरा, गोपालगंज से आना चाहते हैं, उन्हें पहले पटना होकर के आना पड़ता था महात्मा गांधी सेतु से, लेकिन अब वो सीधा इधर से चले आते हैं। 800 करोड़ रुपये लागत लगी है, यानी कि 130 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर लागत आई है इस ब्रिज की। इस ब्रिज की लंबाई 4.35 किलोमीटर है। जिसमें मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज इन वर्ल्ड है ये तो बता ही दिया मैंने। 4.35 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड नेविगेशनल सेक्शन जो है वो 1920 मीटर है, जो गंगा नदी के ऊपर है। अप्रोच स्पेंस मोर देन 2 किलोमीटर, 120 मीटर लॉन्ग नेविगेशन स्पेंस इसमें है जो सपोर्ट करता है। इसकी चौड़ाई 24 मीटर है, यानी कि 79 फीट है, और जो स्पैन की संख्या है वो 16 है। लेन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि लेन 4 है। कंक्रीट मटेरियल में ये बना है, ये देख सकते हैं। ये NH-19 छपरा में NH-19 को और आरा में NH-30 को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और ये सच पूछे तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सपना इस क्षेत्र का पूरा हुआ है। जो नदियों पे नावों के भरोसे इस पार से उस पार आते जाते थे, और जिनको गाड़ियों से आना होता था, वो महात्मा गांधी सेतु से आते थे, इतना लंबा चक्कर मार करके आते थे, उनके लिए ये सच में वरदान है। लेकिन इसकी देख रेख नहीं होने के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। सिस्टम का पालन नहीं करने के कारण गाड़ियाँ इस हिसाब से बेतरतीब खड़ी रहती है। NH-19 पे जो आरा छपरा
छपरा पटना जो मार्ग है जो बना नहीं है, बन रहा है, वहाँ पे जब ये मिलता है तो काफ़ी जाम लगता है। यहाँ भी देखिए इस तरफ इस नाले बन गए हैं, ये पूरे रोड में यही हाल है। लॉकडाउन में भी इसका मेंटेनेंस नहीं किया लोग, ये देख सकते हैं, ये इसकी ये दुर्दशा, इसे दूर करने की ज़रूरत है, नियमों को का पालन करने की ज़रूरत है। आपको और हमें सबको जो भी इस मार्ग से क्रॉस करते हैं, अगर नियम से चलाएंगे गाड़ी तो जाम नहीं लगेगा। और जो सड़क की दुर्दशा है, अगर इसे संबंधित लोग बनवा दें, रिपेयर करवा दें, तो फिर स्मूथली इस पे आवागमन होगा। उम्मीद है इस वीडियो से किसी न किसी को लाभ होगा और इसकी दुर्दशा खत्म होगी। मुझे उम्मीद है, यकीन है, पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो से कुछ बदलाव इस रास्ते में आएगा, क्योंकि ये हम लोगों का, पूरे बिहार के लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसकी ये दुर्दशा कहीं ना कहीं हमारी खामियों को दिखा रहा है। इसका मेंटेन होना ज़रूरी है, इस पर ट्रैफिक का संतुलन होना ज़रूरी है, ट्रैफिक के नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। और उम्मीद है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को आप लोगों के सामने लाता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को भी लाना ज़रूरी है ताकि वो जो निगेटिव में तब्दील हुआ है वो पॉजिटिव में तब्दील हो। और उम्मीद है, आशा है, टॉप और टू बॉटम जो भी लोग इससे संबंधित हैं, चाहे वो ट्रक चालक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी छोटे बड़े हर लोगों जो इससे संबंधित हैं, वो इस पुल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, बेहतर बनाएंगे, रास्तों को बेहतर बनाएंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन होगा। और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो इस पुल की हालत वही हो जाएगी जो महात्मा गांधी सेतु की हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि संबंधित लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और ने अपडेट के साथ। इंसिन का कारण उसका जय भारत।